शास्त्रों में वर्णित है कि हर युग के अंत में जब जब पाप और अन्याय अपनी चरम सीमा पर होता है तो भगवान नारायण उस युग का अंत करके पुनः नए युग की स्थापना करने के लिए नया अवतार लेते हैं। और अब तक नारायण ने 9 अवतार ले लिए हैं। कलयुग में भगवान नारायण अपना 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार लेंगे और कल्कि अवतार लेकर वो कल्कि राक्षस का वध करेंगे। कल्कि राक्षस वही है जिसने कलयुग को अपने नियंत्रण में किया हुआ है। कलयुग के बारे में आज समाज में कई तरह की बातें होती रहती हैं। ऐसे में इसे लेकर हर कोई व्यक्ति चिंता में पड़ा हुआ दिखाई देता है कि आने वाला समय कैसा होगा। ब्रह्मा वैवद पुराण के अनुसार कलयुग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। अभी वर्तमान में कलयुग चल रहा है और द्वापर युग की समाप्ति के बाद कुल 5000 वर्ष ही बीते हैं और कलयुग में अधर्म फैलना शुरू हो चुका है। ऐसे में अब इंसानों ने एक दूसरे पर भरोसा करना भी छोड़ दिया है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार कलयुग में ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी, इंसान की युवा अवस्था समाप्त हो जाएगी। भगवान नारायण ने स्वयं नारद मुनि को बताया है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब सभी पुरुष स्त्रियों के अधीन होकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हर घर में पत्नी ही पति पर राज करेगी। एक पति को अपनी पत्नी की डांट डपट सुननी पड़ेगी। घर में पुरुषों की हालत नौकरों के समान हो जाएगी। कलयुग के 5000 साल बाद गंगा नदी सूख जाएगी और पुनः बैकुंठ धाम लौट जाएगी। जब कलयुग के 10000 वर्ष बीत चुके होंगे तब सभी देवी देवता पृथ्वी छोड़कर अपने अपने धाम को लौट जाएंगे। इंसान पूजा जैसे कर्म, व्रत, उपवास, सभी धार्मिक कामों को करना बंद कर देंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उन्हीं का राज चलेगा। मानवता तो नष्ट हो जाएगी और रिश्ते नाते भी खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु बन जाएगा। कलयुग में चोर और अपराधियों की संख्या इतनी बढ़ जाएगी कि कलयुग में एक आम इंसान जी नहीं पाएगा। लोग एक दूसरे के प्रति हिंसक हो जाएंगे और सभी लोगों के मन में पाप प्रवेश कर जाएगा। कलयुग में सभी लोग धीरे धीरे शास्त्रों से विमुख होते चले जाएंगे। अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद रह जाएगी। कलयुग का मनुष्य बुरी बातें और बुरे व्यवहारों का ही पालन करेंगे। कलयुग में एक समय ऐसा भी आएगा जब धरती से अन्न और फल उपजना बंद हो जाएंगे और मनुष्य खाने के लिए भटकता रह जाएगा। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त होती चली जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। कलयुग के अंत में एक ऐसा भी समय आएगा जब स्त्री व पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगे। केवल अधर्म ही फैलाएंगे। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी कुछ ऐसा ही करेंगे। स्त्री व पुरुष दोनों से संबंधित सभी वैदिक नियम खत्म हो जाएंगे। भागवत गीता के अनुसार कलयुग में पाप का अंत करने के लिए भगवान नारायण कल्कि अवतार लेकर प्रकट होंगे, जो कि संभल ग्राम में एक ब्राह्मण विष्णु यश के यहाँ जन्म लेंगे और देवदत्त नामक घोड़े पर बैठकर सभी पापियों का अंत करेंगे और फिर से पुनः नए धर्मयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज के इस वीडियो में कितनी सच्चाई मिली, क्या आज कलयुग में ऐसा हो रहा है या फिर नहीं।